अगर आप भी बदन पर टैटू बनवाने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार ये वीडियो जरूर देख लें। हाल ही में टैटू बनवाने के कारण वाराणसी में 2 से 3 लोग HIV पॉजिटिव पाए गए। दरअसल इन लोगों ने एक ही फेरी वाले से टैटू बनवाए थे। टैटू बनाने वाली नीडल काफी महंगी होती है, जिस कारण फेरी वाले ने पैसे बचाने के लिए एक ही सुई से 3 लोगों के टैटू बना दिए। जिस सुई का इस्तेमाल टैटू बनाने के लिए किया गया था वे HIV संक्रमित थी। अब आप में से जो लोग टैटू बनवाने की सोच रहे हैं वे अब दुविधा में होंगे कि वे टैटू बनवाएं या नहीं। तो टैटू बनवाते वक्त आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना होगा। जहाँ भी आप टैटू बनवाने जाएं वहाँ इन बातों का ध्यान जरूर रखें। सबसे पहले ऐसे ही व्यक्ति से टैटू बनवाएं जिसके पास लाइसेंस हो। टैटू बनवाने वाले आर्टिस्ट ने दस्ताने पहन रखे हों। वे आपके टैटू बनाने के लिए नई नीडल का इस्तेमाल करें। टैटू बनाने वाला स्टूडियो हमेशा साफ सुथरा हो। टैटू बनाने के बाद वे नीडल को आपके सामने अच्छी तरह से डिस्पोज कर दे। अब इस बात का ध्यान रखें कि आप कभी भी नॉन प्रोफेशनल जगह से टैटू ना बनवाएं। अगर आप सावधानी के साथ टैटू नहीं बनवाते तो आपको ये 3 बीमारियां हो सकती हैं: हेपेटाइटिस बी, वायरल इन्फेक्शन और HIV। टैटू बनवाने के बाद भी आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि जब भी आप पहली बार टैटू बनवाकर आते हैं तो आपके घर वाले या दोस्त काफी एक्साइटेड होते हैं। ऐसे में हो सकता है कि वे आपके टैटू को छूना चाहें, पर आप उन्हें ऐसा ना करने दें, क्योंकि बगैर सैनिटाइज किए गंदे हाथों से टैटू को छुएंगे तो बैक्टीरिया पनपने की संभावना होती है। जब भी आप नया टैटू बनवाएं तो धूप में जाने से बचें, क्योंकि धूप की यूवी किरणें टैटू का कलर बिगाड़ देती हैं। इसलिए अगर बाहर जाना भी पड़े तो टैटू जहां आपने बनवाया है वहां पर सनस्क्रीन लगाकर ही जाएं। किन लोगों को नहीं बनवाना चाहिए टैटू? जिन लोगों के स्किन के ऊपर एक्जिमा, सोराइसिस या सफेद दाग हैं, उन्हें टैटू बनवाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बीमारियां बढ़ सकती हैं। टैटू बनाना आजकल का क्रेज और फैशन है। आप इसे अपनी शौक के लिए बनवा सकते हैं, लेकिन टैटू बनवाने के वक्त यही कुछ सावधानियां हैं जो आपको बरतनी चाहिए। बाकी और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप जुड़ रहे हैं पंजाब केसरी के साथ। अगर आप भी बदन पर टैटू बनवाने के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार ये वीडियो जरूर देख लें। हाल ही में टैटू बनवाने के कारण वाराणसी में 2 से 3 लोग HIV पॉजिटिव पाए गए। दरअसल इन लोगों ने एक ही फेरी वाले से टैटू बनवाए थे। टैटू बनाने वाली नीडल काफी महंगी होती है, जिस कारण फेरी वाले ने पैसे बचाने के लिए एक ही सुई से 3 लोगों के टैटू बना दिए। जिस सुई का इस्तेमाल टैटू बनाने के लिए किया गया था वे HIV संक्रमित थी। अब आप में से जो लोग टैटू बनवाने की सोच रहे हैं वे अब दुविधा में होंगे कि वे टैटू बनवाएं या नहीं। तो टैटू बनवाते वक्त आपको कुछ बातों का खास ख्याल रखना होगा। जहां भी आप टैटू बनवाने जाएं वहां इन बातों का ध्यान जरूर रखें। सबसे पहले ऐसे ही व्यक्ति से टैटू बनवाएं जिसके पास लाइसेंस हो। टैटू बनवाने वाले आर्टिस्ट ने दस्ताने पहन रखे हों। वे आपके टैटू बनाने के लिए नई नीडल का इस्तेमाल करें। टैटू बनाने वाला स्टूडियो हमेशा साफ सुथरा हो। टैटू बनाने के बाद वे नीडल को आपके सामने अच्छी तरह से डिस्पोज कर दे। अब इस बात का ध्यान रखें कि आप कभी भी नॉन प्रोफेशनल जगह से टैटू ना बनवाएं। अगर आप सावधानी के साथ टैटू नहीं बनवाते तो आपको ये 3 बीमारियां हो सकती हैं: हेपेटाइटिस बी, वायरल इन्फेक्शन और HIV। टैटू बनवाने के बाद भी आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना चाहिए, जैसे कि जब भी आप पहली बार टैटू बनवाकर आते हैं तो आपके घर वाले या दोस्त काफी एक्साइटेड होते हैं। ऐसे में हो सकता है कि वे आपके टैटू को छूना चाहें, पर आप उन्हें ऐसा ना करने दें, क्योंकि बगैर सैनिटाइज किए गंदे हाथों से टैटू को छुएंगे तो बैक्टीरिया पनपने की संभावना होती है। जब भी आप नया टैटू बनवाएं तो धूप में जाने से बचें, क्योंकि धूप की यूवी किरणें टैटू का कलर बिगाड़ देती हैं। इसलिए अगर बाहर जाना भी पड़े तो टैटू जहां आपने बनवाया है वहां पर सनस्क्रीन लगाकर ही जाएं। किन लोगों को नहीं बनवाना चाहिए टैटू? जिन लोगों के स्किन के ऊपर एक्जिमा, सोराइसिस या सफेद दाग हैं, उन्हें टैटू बनवाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से बीमारियां बढ़ सकती हैं। टैटू बनाना आजकल का क्रेज और फैशन है। आप इसे अपनी शौक के लिए बनवा सकते हैं, लेकिन टैटू बनवाने के वक्त यही कुछ सावधानियां हैं जो आपको बरतनी चाहिए। बाकी और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप जुड़ रहे हैं पंजाब केसरी के साथ। ऐसी सभी और खबरों के लिए लाइक कीजिए हमारा फेसबुक का ये पेज और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए हमारा पेज और देखते रहिए पंजाब केसरी।